अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 10, अभी हस्बैंड चले गए हैं और बच्चे तो पहले चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बैठी, अक्सर मैं यहाँ पे बैठती नहीं हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में रहती हूँ। और पीछे आप किचन देख सकते हैं, बिल्कुल फैली हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। तो यहाँ पे बैठ के बस सोच रही थी कि रोज़ मैं दो भागा दौड़ी में काम करती हूँ रोज़, आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और फिर करना तो मुझे ही है ना, और जल्दी करके भी क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा क्या, कहीं जाना तो है नहीं, तो लेकिन आज जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैठ के लगाया है स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी, क्या है कि आज मेरी ननद की बेटी का और अलीज़ा मेरे भाई की बेटी का दोनों का बर्थडे सेम डे पे आता है। तो इस चीज़ का मुझे मेरे को क्या है कि अगर मैं उनकी एक ही फूफू हूँ बच्चों की, मतलब मेरे भाई के, मैं एक ही बहन हूँ, सीधी सी बात है, तो अगर मैं उसके बर्थडे पे नहीं पहुँचती हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है, ननंद की बेटी के बर्थडे पे नहीं पहुँचो तो ननंद नाराज़ हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ दोनों नाराज़ ना हों। तो एक बार क्या हुआ कि वैसे तो आज अलीज़ा का बर्थडे पार्टी तो नहीं है, अभी तक तो मुझे कोई कॉल नहीं आया, जितना मेरा आइडिया है मुझे पता है कि अब कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, लेकिन सुबह से एक बार क्या हुआ था, दोनों ने रख ली थी, तब अलीज़ा का ना हमने फ़र्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वैसे तो केक लाते थे बच्चों को, बस बच्चे खुश हो जाते, तब छोटी थी अलीज़ा, जब सिर्फ केक लाया जाता, जब उसको बर्थडे की समझ आई तब क्या हुआ कि उसका बर्थडे था, वो भी पहली बार सेलिब्रेट कर रहे थे और ननंद की बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तब। तो अब मैं क्या करूं, पहले हम गए इधर क्योंकि उनका घर पास है, पहले वहां गए, उनको केक कटवाया, खाना नहीं खाया, फटाफट से हमने केक कटवाया ये वो जल्दी से, और फिर चले गए हम वहाँ पर, वो दूर रहते हैं तो वहाँ चले गए। तो इस तरह से हमें इस दिन ना इतनी भागम दौड़ी होती है ना, जब दोनों सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं ना, दोनों ने सेलिब्रेट करना होता है, तब हमारी बहुत ज़्यादा बैंड बजती है, भागो इधर फिर उसके बाद भागो उधर, तो दोनों को हम नहीं नाराज़ करते और नाराज़ करना भी नहीं चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, नाराज़ होने से रिश्ते ख़राब होते हैं। तो ऐसा होता है कि हम पहले इधर जाते हैं फिर वहाँ जाते हैं, ठीक है जी। अभी देखिए 12:10 हैं, ये वाली गाड़ी चलाते हुए मुझे लगता है डर, डर किस बात का लगता है, क्योंकि ये हो जाती है जल्दी गर्म, तो पास ही जाना है इसलिए इसको लेके जा रही हूँ, अदरवाइज मैं इस पर जाने का कहीं रिस्क आजकल बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मैं आजकल इसको नहीं चलाती। बैंक का जो काम था वो हो गया, मुझे ये काम करवाना था, ये बनवाना था, ये हो गया है, और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा काम जल्दी से एक बार में बन जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो प्रॉब्लम हुई है घर जाके बताती हूँ। अभी निकलती हूँ यहाँ से, हेलो, गाड़ी मैंने यहाँ पे रोक दी है क्योंकि क्या वजह क्या है, एक तो मुझे इससे डर लगता है, दूसरी वजह यह है कि हमारे इस वाले गेट से ना थोड़ा सा स्लोप है, तो मतलब चढ़ाई है,
तो इसलिए यहाँ रोक देती हूँ, फिर वो गेट खोलूंगी, फिर इसको एकदम से अंदर कर दूंगी। अगर वहां पे रोक दूँ ना तो गाड़ी का बहुत जोर लगता है, होता कुछ नहीं है, मेरा पता नहीं ये थिंकिंग है कि गाड़ी का जोर लग रहा है, गाड़ी खराब हो जाएगी। हस्बैंड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो डर होता है ना इंसान के दिल में वो रहता ही है, चाहे कोई कितना भी समझाए लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो खैर मैं देख रही हूँ यहाँ से कहीं सासू माँ या देवरानी सामने हो तो उनको बोलूँ कि गेट खोलो। और दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको बता रही थी ना बैंक में मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये किसके नाम का है या किसको आपने घर जो भी था, तो मुझे उसका पता नहीं था क्योंकि ये वाला काम ना मेरे हस्बैंड ही करते हैं हमेशा। गर्मी हो रही है तो ये वाला काम मेरे हस्बैंड करते हैं तो मुझे इतना पता नहीं था। और दूसरी बात, मेरे फ़ोन में मैंने रिचार्ज कल करवाया था और उसमें बिल पे करना था, वो ऑनलाइन हो नहीं रहा था। अब मैं कॉल कहाँ से करूँ और कैसे पूछूँ हस्बैंड से। फिर सामने एक रिचार्ज की दुकान थी, वहाँ से मैंने बिल पे कराया तो देखा फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। और जब तक रिचार्ज होना था तब तक फिर मैंने वो भैया से फ़ोन लिया और हस्बैंड को कॉल करी। तो जहाँ भी जाऊँ ना, कहने का मतलब है ये कि सीधा सीधा मेरा काम कभी नहीं होता, मुझे थोड़ा सा ना एक एक या दो मुश्किलें ज़रूर आती हैं। तो बस अब यहाँ आई हूँ, अब जाऊँगी ऊपर, गेट खोलूँगी, उसके बाद आऊँगी नीचे, फिर गाड़ी लेके जाऊँगी। ठीक है जी, अभी मुझे जाना पड़ेगा, कोई सामने है नहीं अभी। शादियों का सीज़न चल रहा है और मैं क्या देखती हूँ कि ये एक नई चीज़ है, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल वो तो मैंने पहले टेस्ट किया हुआ है, पुराना ही है, बट ये पैकिंग जो आप देख रहे हैं ना ये शादी के कार्ड के साथ आई है। मैं अभी जो वेडिंग सीज़न चल रहा है ना तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, कोई बेकरी दे रहा है, कोई मिठाई जूस ये सब, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने पापा को कार्ड आया है। आजकल लोग इस तरह की पैकिंग भी देने लगे हैं शादी के कार्ड के साथ। तो ये तो हो गया, और यहाँ पे देखें खूब सारी सब्जियाँ डाल के मैंने बनाए पोहा, लंच में बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, अक्सर मेरे घर में लंच में ये बनता है। अभी करेंगे लंच। हे गाइस, शाम हो गई है और मैं बनाने लगी हूँ डिनर, और डिनर में आज बनेगा फ़िश रोल। फ़िश रोल मैं खुद ही मतलब अपनी बना रही हूँ, हस्बैंड लाए थे फ़िश, अब ये लोग मैच देख रहे हैं और मेरे को बोलने नहीं दे रहे। हस्बैंड फ़िश लाए थे, ये ना सिंगल फ्राई, मतलब एक बार फ्राई करी हुई है, एक बार और फ्राई इसको करना है। ये देखिए इसको करूँगी मैं फ्राई, और उसके बाद इसकी जो चटनी है ना और प्याज रोटी पे ये सब डाल के, प्याज डाल के चटनी डाल के रोल बना के दे देंगे इनको खाने के लिए। इसको हम सिंगल फ्राई या हाफ फ्राई भी बोल सकते हैं वैसे। तो ये रख दिया मैंने पैन, और ये हमारी फ़िश, अब इसको इसमें तो नहीं डालेंगे, पहले ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक ये फ़िश फ्राई होगी ना तो मैं साथ साथ में रोटियां बना लूँगी। तो रोटी मुझे थोड़ी सी मोटी बनानी है, यू नो रोल की रोटी जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है और ऐसे फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी होती है। तो वैसे तो उसके लिए आटा अलग से गूंदना पड़ता है, लेकिन अभी मैं जो मेरे पास आटा है जो आगे मैंने लगा के रखा है उसी से बनाऊंगी। तो ये है चटनी, मुझे तो अपने हिसाब से चटनी बनानी थी, लेकिन इसमें मूली वगैरह है, ये भी चटनी काफ़ी अच्छी है। हमारा फिश रोल जो है उसका मटेरियल तैयार हो रहा है। तो ये मैंने इसमें प्याज और हल्का सा ऑयल डाला है, सेकेंड टाइम इसको फ्राई करके इसके अंदर डाल दिया।